नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं और हम सभी का उन परिस्थितियों से निपटने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि कई बार कुछ मुश्किल सिचुएशंस में आउट ऑफ रेस्टलेसनेस, पैनिक एंड फियर हम लोग कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जिनके रेपरकशन उस सिचुएशन से भी ज्यादा भयानक होते हैं। तो फिर हम क्या करें, चुनौतियों को या मुश्किल समय को कैसे हैंडल करें? हाउ कैन वी बी काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ी हैं वो बहुत ही खास हैं। मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर रेनू, जो राजयोग मेडिटेशन के जरिए पिछले 9 साल से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यानी आध्यात्मिक चेतना जगाने की कोशिश कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में रेनू जी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। आजकल हम सब एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने कोविड के रूप में आकर खड़ी हो गई है और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सब अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। खैर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है रेनू जी। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो छोटी छोटी वो समस्याएं हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और उन पर हम कई बार ओवर रिएक्ट करके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। परिस्थितियों की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग रूपों में वो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कई बार हम इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, कई बार हम ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं कि उससे हमारा अपना नुकसान होता है। तो क्या उसे हम एक ह्यूमन नेचर कहकर टाला जा सकता है, वो जस्टिफाइड है? सबसे पहले तो हमें नेचर को ही डिस्कस करना होगा कि कौन सी चीज मुझे कंफर्टेबल फीलिंग देती है। पीस, कंटेंटमेंट, कामनेस, दिस गिव मी कंफर्टेबल फीलिंग, या फिर एंगर, पैनिक और स्ट्रेस। इन दोनों में से जो मुझे कंफर्टेबल फीलिंग दे उसी को नेचर कहना है, जो मुझे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती मुझे उसको अपना नेचर नहीं कहना है। नेचर वर्ड को बहुत सोच के लगाता है। दूसरी बात कि सिचुएशंस जो है वो कहीं ना कहीं जीवन में हर किसी को अलग अलग रूप में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बी इट अ स्मॉल ट्रैफिक जैम ऑन अ रोड और बी इट अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉय और एनीबॉडी इन द फैमिली, कुछ भी, ये सिचुएशंस के साथ हम आज से नहीं बहुत समय से चल रहे हैं। आज एक चीज को हमें सिंपल तरीके से समझना होगा, ये सिचुएशन जो है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमारे रिस्पॉन्स का होता है। एक छोटा सा उदाहरण आप लेके देखें, आप अपने ही घर में, फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 4 लोग रहते हैं, घर में कोई एक इशू है जो चारों ही उस इशू में इन्वॉल्व है। नाउ वन इशू एंड 4 पीपल इन अ फैमिली, वन इशू एंड 4 पीपल, यू ओनली थिंक इन दैट वन इशू दोज 4 पीपल, वो 4 लोग एक ही इशू को एक ही तरीके से एड्रेस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 4 लोग, लोग 4 है, इशू 1 है। वो इशू हो सकता है कोई कहे कितनी बड़ी बात है, कोई कहे हाँ बात तो है, कोई कहे हाँ ठीक है बात है पर ठीक हो जाएगी, और कोई ये भी कह सकता है कि ये भी कोई बात है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है और वो अलग अलग है, राइट? एक्चुअली रियलिटी ये है कि सिचुएशन 1 है, रिस्पॉन्स 4 अलग अलग है। ह्यूमन नेचर नहीं, हर एक की इमोशनल स्टेमिना अलग अलग है। नेचर हर एक किसी का पीस, लव, हैप्पीनेस है। इमोशनल स्टेमिना, उसने उस पीस, लव, हैप्पीनेस को कितना बिल्डअप किया है वो अलग अलग है। उसने उस पीस, पेशेंस, हार्मनी को कितना सस्टेन किया है वो अलग अलग है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स अलग आ रहा है। अभी तक हमारी जो माइंडसेट था कि ये बात होगी तो ऐसा रिएक्ट होगा, एक ही बात में 4 रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं अगर सिचुएशन हमें वो चीज को लिए प्रेरित। लेकिन फिर रेनू जी, फिर ह्यूमन नेचर क्या होती है, जो इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि इसकी तो नेचर ऐसी है इसलिए ये ऐसे रिएक्ट करता है, वो उसका फिर क्या मतलब है?
बेसिकली नेचर वर्ड वो है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बॉडी से लेके चलते हैं, बॉडी की हम स्पेसिफिक नेचर, नेचर मतलब जिसमें रहना हमें कंफर्टेबल लगे लगे, नेचर मतलब जिसमें हमें बहुत अच्छा फील हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको इस समय अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हेल्थ नेचर है। कोई रेस्टलेस फील कर रहा है, उसको प्यास लगी है, वो थर्स्टी है, उसको पानी चाहिए, क्यों वो उस समय अनकंफर्टेबल फील करता है? क्योंकि बॉडी की नॉर्मल कॉम्पोजिशन, हेल्दी कॉम्पोजिशन वाटर है। उस समय उसके बॉडी में वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर की कमी है, तो वो उसका नेचर नहीं है, हेल्थ नेचर कहेंगे हम। अनहेल्दी स्टेट को कभी नेचर नहीं कहेंगे। तो जैसे शरीर के लिए हेल्थ नेचर है, ऐसी मन के लिए पीस उसकी हेल्थ है। तो कोई भी सिचुएशन में हमारी इमोशनल स्टेमिना, एंगर, पीस, ये सारी चीजें, ये हमने धीरे धीरे एंगर को यूज करते 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 जो चीज को ज्यादा यूज किया उसको नेचर कह दिया। पर आज से ध्यान रखना है, जो चीज कंफर्टेबल फीलिंग नहीं दे उसको नेचर नहीं कहना है। नेचर दैट गिव्स मी कंफर्टेबल फीलिंग फर्स्ट। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है और वो हमारा नुकसान कर रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर ऐसे में सही निर्णय लेना या उसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल है। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा रही है तो परेशान होना या दुखी होना तो वाजिब है ना? एक्चुअली नहीं, समझने की बात है कि बात पर कोई भी एग्जांपल, कोई रिलेशनशिप को लेके, कोई फाइनेंशियल लॉस को लेके, कोई ऐसा जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट था एंड सडन एक बिट्रेयल मिला, कुछ इस तरीके की चीजें जीवन में आती हैं कई बार। हमें अपने आप को इस चीज को समझना होगा और अनेकों बार अपने मन को समझाना होगा कि जो भी लॉस है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, फाइनेंशियल है, चाहे कोई बिट्रेयल है, वो बाहर है, वो बाहर है। स्टेबिलिटी, पीस, माय रिस्पॉन्स, ये अंदर है, इनको सेपरेट करना है। वो बाहर है, कोई भी लॉस है वो बाहर है, स्टेबिलिटी मेरी चॉइस है। यानी मैं उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट कर रही हूँ ये मेरी चॉइस है। एग्जैक्टली, वो सिचुएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन है जो मन की स्थिति को सिर्फ चेक कर रही है कि मेरे अंदर मेरे मन की स्थिति इमोशनली बिल्डअप है, मैं इमोशनली इम्यून हूँ या वीक हूँ। एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं कि कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई कोई हमें गाली दिए चला जा रहा है, हम पर चिल्लाए चला जा रहा है, तो आफ्टर ऑल हम सब में थोड़ी ईगो है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो फिर क्या क्या किया जाए? क्या मतलब रिएक्ट ही ना किया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझे दर्द पहुंचाएगा अगर मैं रिएक्ट करूंगी? आफ्टर ऑल कितनी देर तक हम सह सकते हैं उस चीज को? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी ने हमें हमारी इंसल्ट करी, अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए, एक ही चीज है कि हमें, ये दो चीजें हैं इसमें, कि हमें उनको समझाना भी है, उनसे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी है, अपनी बात कहनी भी है, उन्होंने जो कहा है उनको बताना है, भाई ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हमें ऐसा नहीं कि साइलेंट हो जाना है यहाँ से, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी है, उनको उनकी बात समझानी भी है, पर स्टेबिलिटी के साथ समझानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपा नहीं खोना, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ये चीज है जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है, हमने ये एक कंडीशनिंग कर दी है कि लोग ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा ही रिस्पॉन्ड करूंगी, लोग ऐसा करेंगे मैं सेलेक्ट करूंगी अपना रिस्पॉन्स। आप मानती हैं कि हमारी खुशी जो है वो किसी चीज पे डिपेंडेंट रहती है, सिचुएशंस पे या लोगों पर? एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि खुशी स्टेट ऑफ माइंड है, खुशी मन की स्थिति है। आप एक उदाहरण लेके देखें कि हम कई बार हिल स्टेशंस पे फैमिली के साथ घूमने जाते हैं और एक माइंडसेट के जाते हैं, के साथ जाते हैं कि वहां बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, इतनी ग्रीनरी होगी, बट एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, नेचर भी वही, फैमिली भी वही, लोग भी वही, मौसम भी वही, पर क्या चला गया? मैं वही कह रही हूँ कि शायद यही हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम आपस में यही एक दूसरे को बोलते हैं ना कि मैं खुश कैसे रहूं,
खुश होने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। एक्चुअली खुशी ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ खुशी ही ऐसी चीज है, क्योंकि खुशी मेरे अंदर की स्थिति है, मेरी थॉट क्वालिटी है, मेरा हर एक के प्रति रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कंप्लीट मेरी चॉइस है। सिर्फ खुशी एक चीज ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे कोई वजह नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी की अगर वजह ढूंढनी शुरू कर दी फिर वो खुशी कहाँ है, फिर वो खुशी कहाँ है, और फिर अगर वो खुशी है तो वो परमानेंट कहाँ है, क्योंकि वजह होगी देन आई विल बी हैप्पी, और वजह नहीं होगी तो आई विल सर्च फॉर वजह। तो फिर मैं वही आपसे फिर पूछूंगी कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न डाल रहा है या मेरी परिस्थितियों को या मेरे जीवन को मुश्किल बना रहा है, तो फिर मैं उससे कैसे निपटूं? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है, चाहे वर्ड्स में कुछ बोल रहा है आपसे, एक्शंस में कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ यहाँ यही समझना है कि वो व्यक्ति मेरे मन की स्थिति को छू भी नहीं सकता। ये कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं, मेरे रिस्पॉन्स का कंट्रोल, मुझे बात भी करनी है। एक रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आप लेके देखें, हस्बैंड जो है वो एग्रेसिव नेचर के हैं या वाइफ एग्रेसिव नेचर की है, और आपस में रोज किसी बात में कॉन्फ्लिक्ट है, रोज किसी बात में कॉन्फ्लिक्ट है। एक व्यक्ति को सिर्फ यही चीज समझनी है कि मेरा रिस्पॉन्स मुझे किसी के रिस्पॉन्स ओरिएंटेड नहीं रखना है। पीपल आर सेइंग व्हाट दे आर फीलिंग राइट, आई हैव टू से व्हाट इज राइट इन माय लिस्ट, एंड व्हाट इज राइट इन माय लिस्ट मींस समथिंग दैट गिव्स मी कंफर्टेबल एंड पीसफुल फीलिंग इज इन इट शुड बी राइट इन माय लिस्ट। तो फिर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम अभी ध्यान नहीं दे रहे? सिर्फ एक चीज पर, अपने मन की स्थिति पर, क्योंकि हमने अपने मन को ये कंडीशन कर दिया हुआ है कि जैसा परिस्थिति होगी, जैसा व्यवहार होगा, जैसे शब्द होंगे, ऑब्वियसली मेरा रिस्पॉन्स ऐसा होगा। इसको सेपरेट करना है, परिस्थिति कैसे भी, किसी के शब्द कैसे भी होंगे, किसी का व्यवहार कैसा भी होगा, मेरा रिस्पॉन्स मेरा सेलेक्टेड चॉइस होगी। मेरा रिस्पॉन्स मतलब व्हाट आई विल थिंक हियर, व्हाट आई विल स्पीक, व्हाट आई विल डू विल बी कंप्लीट, कंप्लीट मींस 100% माय चॉइस। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, हम किसी अपने को खो देते हैं जिसके साथ हम बहुत अटैच्ड होते हैं, और अटैचमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस समय अगर हम किसी को ये कहें कि आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप परेशान मत हो, तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? इज इट प्रैक्टिकल टू एक्चुअली थिंक वेरी पॉजिटिवली व्हेन यू लूज समवन वेरी क्लोज टू योर हार्ट? बात तो है, जो आपने बात बताई बात है भी बड़ी, बट फिर भी जीवन के कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स यही है कि मन की स्थिति का, जिस तरीके से आपने जो बात बताई, जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि कोविड अभी चल रहा है, और अभी जो ये आपने क्वेश्चन रेज किया कि फैमिली में कोई लॉस हो जाए, कोई लव्ड वन चला जाए, ये चीजें हमारे जीवन में रोज नहीं आ रही, ये चीजें हमारे जीवन में वंस इन अ वाइल हो रही, पर हम अगर अपने मन की स्थिति का छोटी छोटे समय पर छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखेंगे, इमोशनल बिल्डअप रोज हर क्षण करते रहेंगे, तो सच्चाई ये है कि जब कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी, मेरा मन उस बात से सदा ऊपर होगा। इमोशनल बिल्डअप की आप जो बात कर रही है ना, मैं वहां एक बार आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर एक बार, कि इमोशनल स्टैमिना बिल्डअप करना कोई ओवरनाइट काम तो नहीं हो सकता? आई एम श्योर बचपन से हमारी शायद कंडीशनिंग वैसी होनी चाहिए। डू यू अग्री विद मी कि बच्चों को शुरू से वैसे ही माइंड को कंडीशन किया जाए? क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, यू नो, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है जीनी, तो अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो क्या कंडीशनिंग ही गलत हो रही है शुरू से? ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें राइट कंडीशनिंग, फिर से मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी, इट्स लाइक राइट डाइट फॉर द बॉडी, अगेन राइट डाइट फॉर द माइंड। तो राइट कंडीशनिंग जितनी अर्ली एज से हो जाए बहुत अच्छी बात है,
बचपन से ही राइट कंडीशनिंग हो, कि बचपन से ही अगर राइट थॉट पैटर्न होगा, राइट क्वालिटी थॉट्स होंगे, तो जीवन की जर्नी में बहुत ब्यूटीफुल डिसीजंस होंगे। जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि कई बार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, रिपरकशंस उसके ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, तो बचपन से ही अगर माइंड की कंडीशनिंग राइट होगी तो डिसीजंस रॉन्ग नहीं होंगे। पर लाइफ बिल्कुल सही बात है, चुनौतियां तो बहुत है, तो फिर क्या कहें बच्चों को, कैसे सिखाएं? सच्चाई ये है, बिल्कुल चुनौतियां हैं, बहुत सही बात है, पर मन की स्थिति उस चुनौती से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, जिसकी कंडीशनिंग हमें और वो मुझे ही करनी है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको उनकी माइंड की कंडीशनिंग अभी से ही करनी है। अभी से करने का मतलब छोटी छोटी चीजें, आप सब कुछ प्रोवाइड करिए उनको, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, उनकी हर चीज करिए, पर संस्कार ऐसे बनाइए, संस्कार राइट चॉइस करने के बनाइए, जिद के संस्कार नहीं। छोटा सा बच्चा चॉकलेट के लिए जिद करता है, चॉकलेट देना गलत नहीं है, पर बच्चे को जिद के कारण चॉकलेट देना, ये संस्कार जिद का क्रिएट हो गया। उसने जिद की वजह से अगर पेरेंट्स ने उसको चॉकलेट दी तो उसके अंदर वही एक बिलीफ क्रिएट हो गया कि मैं जिद करूंगा मेरी बातें हो जाएंगी। वो थोड़ा और बड़ा होगा फिर वो जिद चॉकलेट के लिए नहीं कर रहा है, मैं जिद करूंगा एम्प्लॉयज मेरी बात मानेंगे। होगा क्या धीरे धीरे कि वो जो जिद है वो उस बच्चे के लिए, क्योंकि जिद मन की शक्ति को काम कर रही है, वो उसकी आदत बन थोड़ी दे दी गई, अगर चीजें देनी है, सब कुछ करना है, पर संस्कार वो बिल्डअप करने हैं जो उसको हमेशा के लिए हैप्पी करे, वो संस्कार नहीं जो उस क्षण उसको हैप्पीनेस दे देते। यहाँ एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो कई बार आपकी परिस्थितियां अगेन लाइफ में कुछ ऐसी रहती हैं जिससे आप एक फ्रस्ट्रेटेड सोल बन जाते हैं, और फिर छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है। तो शायद आपकी बात अब मुझे समझ में आ रही है कि हम शुरू से अगर उस अवेयरनेस के साथ जिएंगे कि मन हमारे कंट्रोल में है, रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में है, तो फिर शायद वो टॉलरेंस लेवल जो बड़े होकर हम खो देते हैं एक स्टेज पर, वो भी नहीं खोएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इसमें हमें एक ही चीज का फिर से ध्यान रखना है कि एंगर एक ही चीज को पकड़ के इस प्रिंसिपल के साथ चलना है कि जो फीलिंग मेरे मन के लिए, तन के लिए, रिश्तों के लिए सही नहीं है, मुझे उस फीलिंग को अपनी नेचर कहना नहीं। जो फीलिंग मेरे मन के लिए, मेरे तन के लिए, एंगर मन की स्थिति को, कंसंट्रेशन पावर को कम कर रहा है, एंगर अंदर प्रेशर लगातार, ये ऐसे करना है, उसको ऐसा कहना चाहिए, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्रिएट कर रहा है। जो चीज एंगर हमें सोने नहीं दे रहा है, आज रात को कई लोग ऐसे हैं जो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छी साउंड स्लीप, वो कब से नहीं सोए हैं, उसका रीजन क्या है? मन की स्थिति, ये मन चुप हो ही नहीं रहा है, कौन करेगा इसको चुप? इसको चुप हमें खुद ही करना है। कैसे? इसको ये नहीं कहना आज के बाद कि मेरा मन नहीं लगता, इसको ये नहीं कहना कि मेरा मन कमजोर है, इसको ये नहीं कहना कि मेरा मन कमजोर है, मेरा मन स्ट्रेस्ड है, मेरा मन परेशान है। जब जब हमने इन वोकैबुलरीज को अपना कहा, इन वोकैबुलरीज ने, मन एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म से काम करता है, आप जो बोलोगे ये वो मानता है। हमने बोला मैं स्ट्रेस हूँ, मैं पैनिक हूँ, मैं स्ट्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, ये हो गया। हम बोलेंगे मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, मैं कंटेंटेड हूँ, मैं पेशेंट, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं कोऑपरेशन मेरे अंदर क्वालिटी है। जब हम ये सारी वोकैबुलरी यूज करेंगे ये भी सुनेगा, और जब हम ये वोकैबुलरी शुरू करेंगे अपने से बोलना, आप धीरे धीरे देखते जाएंगे मन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मन शक्तिशाली है, ऑपोजिट वोकैबुलरी बोल के शक्ति कम की है, राइट वोकैबुलरी सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो आई एम श्योर इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशंस एक्चुअली शो अस आवर इनर पोटेंशियल। एक्चुअली डिफिकल्ट सिचुएशन आर द ओनली टाइम टू ग्रो आवर पोटेंशियल, दिस इज द ओनली टाइम। अगर कोई मुझे कहता है, मुझे कल किसी ने कहा कि सिस्टर यू आर वेरी गुड,
इफ आई टुक इट एज एन अप्रिसिएशन, हाँ उन्होंने मुझे कहा, डे आफ्टर किसी ने कहा यू आर नो गुड, दैट इज द टाइम जहां पर मुझे अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने का टाइम मिला है. जब हर चीज मुझे अच्छा कह रहे हैं, हर कोई मुझे अच्छा कह रहा है, तो मेरी मुझे अपनी खामियां नजर ही नहीं आ रही. जब कोई मुझे कुछ ऐसा कह रहा है जो मुझे ठीक, दैट इज द टाइम जहां मुझे चेक करना है कि मुझे इस समय भी पीसफुल रहने की क्या मेरे पास ताकत है. तो आज से जब हम सुबह उठे तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट करें, कुछ कोई ऐसे थॉट्स जो हमारे पूरे जीवन को या पूरे दिन को कम से कम सकारात्मकता से भर दें. बिल्कुल. मैं सभी को यही कहूंगी कि सुबह सबसे पहले तो कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठे, जल्दी इट्स लाइक 6 बजे उठ जाए. ये रीजन बीइंग कि हमारा जो मन है वो सुबह सुबह इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर. जब आप छोटे थे आपको पता होगा, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे पेरेंट्स हमको ये कहते थे कि आप सुबह उठकर पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ने से चीजें याद रहेंगी, आपकी कंसंट्रेशन हाई रहती है. तो उसके पीछे के एक साइंस है, क्योंकि मन जो है वो 6 to 8 hours की स्लीप ले सोया हुआ है. इट्स लाइक अ मशीन, जो मशीन 6-8 घंटे अभी उसने कुछ काम नहीं किया है, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है. तो इसी तरीके से मन जो है वो 6 to 8 hours का रेस्ट लेकर अभी फ्रेश उठा है. तो वो ब्लॉटिंग पेपर है, जो आप उसमें इंफॉर्मेशन डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो आपके पूरे दिन की फाउंडेशन बन जाएगी. तो सुबह उठकर फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, द वेरी फर्स्ट थॉट, आई एम अ पीसफुल बीइंग. भले आप कल तक, आपको शुरू शुरू में जब हम भी प्रैक्टिस करते थे तो खुद की नेचर को देख के लगता था मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं तो बहुत एंगर क्रिएट करती हूँ, तो ये तो मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ. रियालिटी ये है कि मैं पीसफुल हूँ, बस भूल गई थी इसलिए उस झूठ में जी रही थी. तो फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, आई एम अ पीसफुल बीइंग. सेकेंड थॉट ऑफ द डे, आई एम अ पावरफुल बीइंग. एंड थर्ड थॉट ऑफ द डे, दिस वर्ल्ड इज हैप्पी. इस समय इस संसार को ये जरूरत भी है. 3 विचार आप क्रिएट करें. आई एम अ पीसफुल बीइंग मतलब पूरा दिन नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो पैनिक, नो इम्पेशेंस, पीस. फर्स्ट थॉट ऑफ द डे. सेकेंड थॉट ऑफ द डे, आई एम अ पावरफुल बीइंग. पावरफुल बीइंग मीन्स कोई भी सीन आ जाए आज पूरा दिन में, मैं उस सीन से सदा ऊपर, मैं उस सीन से सदा ऊपर. तीसरा थॉट ऑफ द डे, दिस वर्ल्ड इज हैप्पी. नहीं दिख रहा आज हैप्पी, क्रिएट करना शुरू करें, क्रिएट करना शुरू करें. हमें वो क्रिएट करना है जो हम उस दुनिया को देखना चाहते हैं. राइट. और एक एक सोच से फर्क पड़ेगा. वाइब्रेशंस की भी एक यहाँ पे बात करना चाहती हूँ. वाइब्स भी हमें एक दूसरे की बहुत इफेक्ट करती हैं. आपको लगता है वो भी सहयोग देती हैं हमें एक दूसरे? आप अभी देखिए ना, 2 से 2.5 महीने में जब से ये कोविड की बात चली है, कोविड की चर्चा हुई है, तो वर्ल्ड की वाइब्रेशन कहाँ पहुंची है? क्या ये ऊपर आई है या नीचे गई है? डेफिनेटली नीचे. नीचे गई है ना. तो 2-2.5 महीने पहले वर्ल्ड की वाइब्रेशन कुछ और थी, 2-2.5 महीने के अंदर वर्ल्ड की वाइब्रेशन चेंज हो गई. पूरा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज, वो बिल्डिंग, वो सब कुछ वही है. क्या चेंज हो गया? सोचने का यानी हर शख्स अगर अच्छा सोचने लगेगा, अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगेगा, तो वाइब्रेशंस तो अपने आप चेंज हो जाएंगे. वाइब्रेशंस ही 100% चेंज करेगी. फाउंडेशन है वाइब्रेशंस हमारी. वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस हाई क्वालिटी थॉट है. सिर्फ एक, इट्स जस्ट द हाई क्वालिटी थॉट. एक अच्छी सोच, एक ऊंचा विचार ही तो वाइब्रेशन है. जो हम सोचते हैं वो एनर्जी है जो हमारे द्वारा रेडिएट होती है. दैट इज व्हाट द वाइब्रेशन इज. तो अगर मैं कोरोना महामारी की बात भी यहाँ करूं जाते जाते, कि जाहिर है सबको बहुत डर लग रहा है. अब धीरे धीरे सब खुल रहा है, ईज डाउन हो रहा है, तो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन एक डर के साथ. ऑब्वियसली हम सभी लोग, वही फिर से वही कहूंगी, वोकैबुलरी चेंज करने की जरूरत है. इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, कोरोना से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है. तो शायद अगर हम इन बातों को अलग तरीके से बोलें, ध्यान तो रखें लेकिन अलग तरीके से अगर इन बातों को बोलें तो फर्क पड़ेगा. बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि हमें
अपना ध्यान पूरा रखना है। हमने फिजिकल हेल्थ में भी 2-2.5 महीने का ध्यान अपने रखा है, हमने डाइट डिफरेंट लेनी शुरू करी है, हमने हैंड वॉश बार बार सैनिटाइजेशन शुरू करी है, मास्क लगाना शुरू किया है, हमने कितनी सारी चीजें बाहर ऐड करी है। इसी तरीके से हमें इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने का सिर्फ एक मतलब है, मुझे वो थॉट क्रिएट नहीं करनी जो थॉट फियर की वाइब्रेशन क्रिएट करे। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं कि जॉब पता नहीं कैसी होगी, आगे का समय कैसा होगा, लोगों बच्चों का स्टडी पैटर्न कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वो जो भी होगा आप उसको नहीं सोचिए, आप जो चाहते हैं वो सोचिए, वो सोचिए, दी बेस्ट सोचिए, बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज के बारे में कोई प्रिडिक्शन हम क्यों लगाएं? और अगर हमें लगानी है तो हम लो क्यों लगाएं? हमें अभी तक हमने ये सोचा था कि चीजें जैसी होंगी वैसे ही सोच चलेगी, आज इसको शिफ्ट करना है, सोच जैसी होगी चीजें वैसे ही चलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने रेणु जी, और मैं यही कहूंगी कि भारत सरकार ने अनलॉक 1 अनाउंस कर दिया है, तो आज की बातचीत के बाद क्यों ना हम भी अपने लॉक्ड पैटर्न्स को अनलॉक करें, एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नई सोच के साथ घर से बाहर कदम रखें और ये संकल्प लें कि अब हम अनुशासित जीवन जिएंगे। जैसा रेणु जी ने कहा कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है, और परिस्थिति पर अब हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे बल्कि हम अपनी मनस्थिति पर ध्यान देंगे और परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराएंगे अपने रिएक्शंस के लिए। जी जी, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, जहां डिसिप्लिन लाइफ की बात है, डिसिप्लिन अभी तक हम बाहर चीजों में देख रहे थे, डिसिप्लिन माइंड डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, मन का डिसिप्लिन। मन का डिसिप्लिन का सिर्फ मतलब है मुझे हाई ही सोचना है, मुझे हाई ही सोचना है, जैसे शरीर के लिए या बाहर की चीजों के लिए जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हाइजीनिक चीजों की बात करते हैं, इसी तरीके से मन का डिसिप्लिन मतलब मुझे कोई भी अनहाइजीनिक थॉट क्रिएट करना ही नहीं, सिर्फ हाई सोचना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बाहर की चीजों को देखते रहे, जो हम करते रहे थे वो भी करना है, पर मन का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन योर ओन माइंड, तो अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, डिसिप्लिन्ड माइंड बनाना है, और रेणु जी का कहना है ये बिल्कुल मुमकिन है, बस प्रयास शुरू करें और सतर्क रहें कि अब कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम बहुत ही शांत भाव से काम डाउन होकर उसका समाधान निकालेंगे, और ये याद रखेंगे कि हमारे माइंड का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, राइट रेणु जी? Definitely, 100%. Thank you so much. आज आपने हमें बहुत important points हमारे साथ discuss किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि viewers को इससे बहुत help मिली होगी. Thank you so much for joining us. So आज के लिए The Mindful Life में बस इतना ही. अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ. जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी सुझाव है, अगर कोई भी ऐसे विषय हैं जिन पर आप चर्चा चाहते हैं, तो हमसे जरूर हमें संपर्क कीजिए, हमारा ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।